जनपद संभल के थाना बनिया ठेठ चंदोसी मुरादाबाद हाईवे रोड NH 509 पर लगातार चल रहे अनाधिकृत रूप से डग्गा मार वाहनों पर RTO कार्यालय मुरादाबाद की ओर से बड़ी कार्यवाही की गई, जहां पर थाना बनिया ठेठ के मुख्य द्वार पर चेकिंग अभियान चला करके बिना परमिशन चल रहे बस तथा ई रिक्शा पर कार्यवाही करते हुए 10 वाहनों को सीज किया गया तथा 10 वाहनों को चलान कर थाना बनिया ठेठ के सुपुत्र किया गया। वहीं डग्गा मार वाहनों की तादाद बड़ी संख्या में तेज रफ्तार का कहर बरसाते हुए नजर आ रही थी, जिसके चलते सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिस पर यातायात प्रभारी अनुज मलिक ने अपनी टीम के साथ मौजूद रहते हुए RTO ऑफिस संभल की ओर से PTO आबदीन अहमद के द्वारा धरपकड़ अभियान चलाते हुए डग्गाबार वाहन स्वामियों के नाक में नकेल डालने का काम किया है, जिससे सड़क सुरक्षा अभियान सफल हो सकता है और सड़क हादसों में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा शासन स्तर पर और हमारे परिवहन के मुख्यालय स्तर पर लखनऊ में डग्गामारी की अनधिकृत संचालन की बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई। इसी अनुक्रम में हमें अपने मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हमारे उपप्रावरण आयुक्त और RTO मुरादाबाद के माध्यम से कि डग्गामारी और अनधिकृत संचालन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में हम अनुज मलिक TSI के साथ मिलकर डग्गामारी के विरुद्ध डग्गामारी में चाहे वो बसें हों, टेम्पो हों, कारें हों, जो भी डग्गामारी करती वाहनें पाई जा रही हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनमें अधिकतर वाहनों को थाने बनिया ठेठ थाने पे निरुद्ध किया जा रहा है, जिससे कि वो आइंदा उसको छुड़ाने के बाद आइंदा वो डग्गामारी की प्रथा को कुप्रथा ना चला सके। हाँ, इसमें चालान भी किए गए। हमने 8 ई-रिक्शाओं को बंद किया है, 8 ई-रिक्शाओं को भी डग्गा मारी के विरुद्ध बंद किया, जो अनिगित चल रहे थे वो रजिस्टर्ड नहीं थे। साथ ही साथ 10 चालान भी किए हैं हमने, जो डग्गा मारी में वाहनें पाई गई डग्गा मारी करती हुई उनके विरुद्ध बगैर परमिट की थी, बगैर टैक्स की थी, परमिट शर्तों के विरुद्ध थी, उनके 10 चालान किए और 10 वाहनें सीज किए हमने।